जय महादेव। मैं सोनिया शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष में हम जो पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, जो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसमें कौन सी ऐसी दो वस्तुएं हैं, कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो हमें भोजन में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति और पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनका भाग यानी कि उनका जो भोजन है उन तक पहुंचाने के लिए हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को भोजन करवाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हमें भोजन बनाते समय बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमें पेठे की जो सब्जी होती है, जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, पेठे की सब्जी हमें भोजन में नहीं बनानी चाहिए और ना ही इसकी मिठाई का इस्तेमाल जो है वो ब्राह्मणों को भोजन कराते वक्त करना चाहिए। इसके अलावा आप पेठे की सब्जी या मिठाई आप कभी भी खा सकते हो, लेकिन जब आप ब्राह्मणों को पितरों के लिए भोजन करा रहे हो तो पेठे की सब्जी का या फिर पेठे की मिठाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरा है भैंस का दूध। जब भी हमें पितरों के लिए ब्राह्मणों को हम भोजन कराते हैं तो उसमें भैंस के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें गाय के दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ में गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि भैंस के दूध का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो भोजन जो है वो पितृ जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप भोजन बनाएं, जो भी खीर बनाएं, कोई मिठाई बनाएं, तो कोशिश यही करें कि कम बनाएं लेकिन गाय के दूध का ही इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जय महा।